back from the break. आप देख रहे हैं the Pavilion on A-Sports, Sensports and the ARY's app. ICC Men's T20 World Cup coverage continues and we've got the first game coming up shortly. That's Namibia versus Netherlands. Namibia toss जीत चुका है. दूसरा मैच जो है आज वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. श्रीलंका बा मुकाबला UAE. इस पे जल्दी से जरा बात कर लेते हैं. वक्त हमारे पास कम है और ये हमारा सेकंड मैच है आज का. श्रीलंका का जो बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलिंग जो है उसमें काफ़ी सवालिया निशान लगा हुआ है मिसबा. बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर आप पिछले मैचेस देखें एशिया में खेले हैं तो कहीं ना कहीं उनके स्पिनर्स ने कवर कर लिया उनको. बट इन ऑस्ट्रेलिया इफ़ यू वांट टू परफॉर्म, आई थिंक इन द लास्ट टू इयर्स जो स्टैट आ रहे हैं वो यही है कि वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय देयर फास्ट बॉलिंग. अच्छा नहीं, ये जो स्टैट है ना ये इनकी टोटल वर्ल्ड कप की अपीयरेंस है. लास्ट थ्री पहले पांच वर्ल्ड कप देखो विन 71% भी इनकी कम हो गई है. ऑब्वियसली हाफ हो गई है. आई थिंक एक रीज़न उसकी सबसे बड़ी जो है वो यही है कि महेला जयवर्ज ने और संगकारा के जाने के बाद वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई है उनकी. स्पेशली बैटिंग भी कहीं ना कहीं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे उनके होते हुए एक स्टेबिलिटी थी उनकी बैटिंग लाइनअप में. तो आई थिंक जाहिर है वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सबको पता है और कोई किसी ने उनके शूज़ को जो है ना वो फिल नहीं किया अभी तक. ऐसे ही लेकिन they have gelled together as a team. We saw them really do well in the Asia Cup. Things have not been going good for their fast bowling department. I suppose Jameera came coming out of injury. और Australia is, I think, सबसे मुश्किल जगह है fast bowler के लिए. अब Shaheen को भी because of the pitches, trueness of the pitches and hardness of the square, वो उससे थोड़ा time लगता है rhythm में आने में मेरे ख्याल में Australia में.